नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं राजस्थान के। जी हां, 7 दिसंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि महज कुछ ही समय जो है चुनाव को लेकर बचा हुआ। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर यह है जो देखने को मिली है कि चुनाव को लेकर जो तमाम तरह की तिकड़न देखने को मिल रही है, चुनाव को लेकर जो तमाम तरह की बातें देखने को मिल रही थी, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे का टक्कर तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि चुनाव में जीत उनकी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं तो ये स्थितियां देखने को मिल रही थी कांग्रेस की तरफ से जीत उनकी होगी। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिरकार जीत किसकी हो रही है और जनता किसके समर्थन में जा रही है, जनता किसको वोट कर रही है। चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें मैं लेकर हाजिर हूं। देखिए, बीजेपी ने दावा किया है कि चुनाव में जीत उनकी होगी, कांग्रेस की नजर में बीजेपी की विदाई है। यानी दो यहां पर पहलू देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी की बागी नेता जो है वो भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जिस समय देखने को मिला था टिकट बंटवारे को लेकर नेताओं में काफी नाराजगी नजर आ रही थी, वसुंधरा सरकार के खिलाफ जिस तरीके से बहुत सारे दिग्गज नेताओं का टिकट काट दिया गया था, जिस तरीके से उनसे उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, इस वजह से नेता काफी नाराज थे, क्योंकि काफी समय से पार्टी के साथ वो लोग जुड़े हुए थे, और अचानक से ऐसे में उनका टिकट काट देना ये कहीं ना कहीं नेताओं के लिए तो एक मुसीबत था ही, नेताओं को तो झटका लगा ही था। लेकिन बागी नेता जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये भी चीजें यहां पर देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है, इस चुनाव में नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत वाहिनी पार्टी, जिसने अपने 123 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी 190 से अधिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी जो पार्टियां, उन्होंने भी कहीं ना कहीं रणनीतियां बनाई है। बसपा ने 190 से अधिक उम्मीदवार इस मैदान में उतारे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस चुनाव में जो मुकाबला देखने को मिल रहा है वो दो पार्टियों के बीच में जबरदस्त है, बीजेपी और कांग्रेस। क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है कि थोड़ी बहुत सीटें बसपा के खाते में आ सकती हैं, थोड़ी बहुत सीटें नई पार्टी जो बनी है उनके खाते में आ सकती हैं, लेकिन जोरदार और जबरदस्त तरीके का जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात तो ये कि आखिरकार इस मुकाबले में जीत किसकी होती है, क्योंकि चुनाव को लेकर तो चुनाव जीतने को लेकर तो दावा तो दोनों तरफ से किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि आखिरकार जनता किसके साथ जाएगी। हालांकि कुछ जानकारियां मैं लेकर हाजिर हूं, और चुनाव से पहले हम आपको कुछ जानकारियां बता देना चाहते हैं कि आखिरकार चुनाव किस करवट रूप लेगा और राजनीतिक गलियारों में काफी समय से क्या चल रहा था। देखिए, चुनाव की अगर हम बात कर लेते तो चुनाव जो है वो कांग्रेस के लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि राजस्थान की जनता वो बिल्कुल कांग्रेस के साथ नजर आ रही है, जिस तरीके से कांग्रेस को काफी पसंद किया जा रहा है, वहां पर बदलाव की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कांग्रेस के नेता सचिन पायलट की अगर मैं बात कर लेता तो सचिन पायलट की तरफ झुकाव जनता का ज्यादा है, क्योंकि जनता का ऐसा मानना है कि अगर सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रदेश की स्थिति सही होगी, युवा पीढ़ी के अगर बात की जाए तो उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। और सचिन पायलट देखिए कि युवा नेता तो हैं ही, साथ ही साथ उनकी छवि भी साफ सुथरी छवि है, और ऐसे में सचिन पायलट युवा नेता हैं और युवा कंधे पर जो है जिम्मेदारियां लोग देना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए काफ़ी समय से जो है व्याकुल भी थे सचिन पायलट। अब ऐसे में देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट के प्रति लोगों का झुकाव, सचिन पायलट को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, और इस मुख्यमंत्री की जो दौड़ है, रेस है, इसमें अशोक गहलोत का नाम भी सामने आया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, तो अशोक गहलोत का नाम भी सामने आया है, लेकिन अशोक गहलोत का नाम कहीं ना कहीं छुपता हुआ नजर आ रहा है सचिन पायलट की फैन फॉलोइंग के आगे।
सचिन पायलट की लोकप्रियता के आगे अशोक गहलोत जो है वो कहीं ना कहीं फीके साबित हो रहे हैं। यानी कि प्रदेश की जनता भी यही चाहती है कि युवा कंधे के ऊपर जिम्मेदारियां दिया जाए, युवा नेता है सचिन पायलट, तो ऐसे में बखूबी तरीके से वो प्रदेश के हालातों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगारों की परेशानी पर काम किया जाएगा, किसानों की परेशानी पर काम किया जाएगा। तो ऐसे में तमाम सवाल हैं जो लोगों के जेहन में है और इन सवालों को ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट को आगे किया जा रहा है। लेकिन हार और जीत की भी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो हार जीत की देखिए जिस तरह से चुनाव से पहले जो जनता ने कहीं ना कहीं फैसला लिया है, सट्टा बाजार हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो सटोरी थे वो सीटों पर सट्टा लगा रहे थे, साथ ही साथ हार जीत की पार्टी पर भी सट्टा लगा था, जिसमें देखने को मिला था कि बीजेपी का ग्राफ जिस कदर नीचे गिरता जा रहा था, जिस कदर बीजेपी का ग्राफ जो है कहीं ना कहीं एक नीचे स्तर तक आ गया, वसुंधरा राजे की लोकप्रियता कम हो गई, वसुंधरा राजे की अगर हम बात करें तो लोग वसुंधरा सरकार से कन्नी काटने लगे, राजस्थान में बीजेपी बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस कांग्रेस चल रहा है। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस की लहर राजस्थान में देखने को मिल रही थी, ये चीज़ें अपने आप में बताती हैं कि वाकई में किस तरीके से लोगों ने कांग्रेस को आगे बढ़ाया है, कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान में वहाँ की महिलाओं को लेकर, तो देखिए वहाँ की महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जानकारियाँ हमारे पास सामने आई, यानी कि राजस्थान की जो महिलाएँ हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं और वसुंधरा सरकार से नाराज नजर आ रही हैं। देखिए वसुंधरा सरकार से नाराज इसलिए हैं क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार ने जो वायदा किया था, वसुंधरा सरकार ने जो वायदा किया था वो वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। ऐसे में राजस्थान की महिलाओं का भी झुकाव कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ है, उनका यही कहना है कि सचिन पायलट होने चाहिए राजस्थान के मुख्यमंत्री। एक तो सचिन पायलट युवा नेता है, साथ ही साथ साफ सुथरी छवि है सचिन पायलट की, और कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता राजस्थान में जिस तरह से देखने को मिली, चुनाव से काफ़ी समय पहले से तैयारियों में लगे हुए थे सचिन पायलट, जनसभा हो, रैलियां हो, कार्यक्रम हो, तमाम तरीके से जो है सचिन पायलट जनता से संवाद करने में लगे थे, जनता को अपनी तरफ लाने में लगे थे, और कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा रिस्पांस भी लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि जिस तरीके से आज लोग सचिन सचिन कर रहे हैं, आज लोग सचिन पायलट के नारे लगा रहे हैं, आज राजस्थान की गलियारों में सचिन पायलट का जो है डंका बज रहा है, सचिन पायलट के नाम की गूंज देखने को मिल रही है। वहीं टोंक सीट पर मैं चलता हूं आपको कि टोंक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं सचिन पायलट, इस सीट पर भी सचिन पायलट के जीतने की संभावनाएं ज़्यादा, और इस बार यूनुस खान को वहां से वो बड़ी मात दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो टोंक सीट टोंक मुस्लिम बहुल इलाका है, और ऐसे में मुस्लिम बहुल इलाके में सचिन पायलट का खड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात तो है ही, साथ ही साथ शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा भी है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके में सचिन पायलट की जिस तरीके से हार की संभावनाएं पहले देखने को मिल रही थी, और यूनुस खान की अगर मैं बात करूं, बहुत सोच समझकर बीजेपी ने यूनुस खान को इस सीट से उतारा था, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका और यूनुस खान कहीं ना कहीं वो मुस्लिम है, तो जाहिर सी बात है ऐसा लग रहा था बीजेपी को, इस यहाँ के लोग बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन यहाँ के लोगों की नाराज़गी बीजेपी से ही थी। उनकी नाराज़गी ये थी कि यहाँ तो वसुंधरा सरकार ने कोई बेहतर काम नहीं किया, यहाँ के युवाओं को बढ़ाने के लिए कोई बेहतर काम नहीं किया। आपको बता दूँ टोंक सीट पिछड़ा हुआ इलाका है, 80% यहाँ पर जो लोग हैं वो खेती पर निर्भर करते हैं, उनका खेती पर वो निर्भर है। अगर और मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ पर जो है उतनी सुविधाएं नहीं है लोगों के पास, उतनी कह सकते हैं कि स्थितियां नहीं है वहाँ पर। और जिस तरीके से टोंक सीट की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से पिछड़ा हुआ इलाका तो है ही, साथ ही साथ सुख सुविधाएँ लोगों तक नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोग बीजेपी को दोषी ठहराते हैं, और जाहिर सी बात है वसुंधरा सरकार ने लापरवाही बरती, इस सीट की तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे में यूनुस खान को उतारकर बीजेपी ने जो बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है, शायद ये दांव कहीं ना कहीं उनका विफल साबित हो, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट की लोकप्रियता टोंक सीट पर बढ़ी है, जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिला है कि सचिन पायलट के नाम का डंका टोंक सीट में भी बज रहा है, कुछ समय पहले हालात कुछ और थे लेकिन अब हालात जो बता रहे हैं टोंक सीट पर, यहाँ पर सचिन पायलट के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग सचिन पायलट को जो है
एक अच्छा नेता मान रहे हैं, वहां से उन्हें जितवाने की बात भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई ऐसा समुदाय हो, कोई ऐसा गढ़ हो जहां पर आप नए हैं प्रत्याशी, और वहां पर आप चुनाव अगर जीतने की कोशिश करते हो और अगर वहां पर से आपको सफलता मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में टोंक सीट से सचिन पायलट की जीत तो होगी ही, लेकिन राजस्थान में तो अब की बार कांग्रेस का आना तय है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बता रहा वो तो यही है कि अब की बार राजस्थान में कांग्रेस की जीत हो रही है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतने, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।